जो ऑलरेडी प्रेजेंट नाला है ये ओवरफ्लो कर गया और लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन इस पर रिस्पांस ये था कि 1.5 घंटे के अंदर सारा एरिया क्लियर भी किया गया, रेस्क्यू टीम्स मौजूद है, रिलीफ टीम्स मौजूद हैं, स्कूल्स को एक्वायर कर लिया गया है जहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर एविक्शन की जाए, लाइफ जैकेट्स भी दी गई हैं अगर खुदा ना खास्ता लो लाइंग एरियाज़ में कोई लोग मौजूद हैं, कुरंग रिवर की हर्डल्स को निकाल दिया गया है, मस्जिद में भी ऐलान करा दिया गया और हम खुद भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नकी गर्देजी और आप देख रहे हैं होम एंटरटेनमेंट। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात, इनसे हम बात करेंगे कि गुज़िश्ता चंद दिन पहले जो यहां पर सैलाब आया था 11 में, उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो सैलाब आया इसका जिम्मेदार कौन है? सैलाब के आने की कुछ वजूहत हैं। एक वजह तो यह है कि ये जो नाला है इसकी विड्थ जो पहले चौड़ी थी ये विड्थ कम हो चुकी हुई है, क्योंकि ये नाला प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में से गुजर रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स 10-15 साल में इसकी नाले की विड्थ कम होती गई। दूसरा हमारी असेसमेंट ये है कि पीछे बारिश हुई भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे पहाड़ के ऊपर जितना कैचमेंट एरिया वहाँ से पानी इतना ज़्यादा आया कि ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट नाला है ये ओवरफ्लो कर गया और लोगों के घरों के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन इस पर रिस्पांस ये था कि 1.5 घंटे के अंदर सारा एरिया क्लियर भी किया गया, लोगों की ज़िंदगी रूटीन में बहाल भी की गई। लेकिन इस सारे में एक अनफॉर्चुनेट और एक बहुत बड़ी कैजुअल्टी हुई है, उसी लिए एक इंक्वायरी रिपोर्ट मांग ली गई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, इंक्वायरी बनाई जा रही है, ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, सबके बयान ले रहे हैं और उसमें जिसकी भी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी चाहे इस नाले को पतला करने में या इमरजेंसी रिस्पांस के अंदर डिले में उस पर एक्शन होगा। अच्छा मुझे बताइएगा ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? इसके खिलाफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के ऊपर जो भी क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है वो फिक्स होगी। अच्छा ये जो ताजर कम्यूनिटी है उनसे हमारी बात हुई, उनका खासा नुकसान हुआ है, उनका नुकसान जो है वो कौन भरेगा? फ़िलहाल तो उनके नुकसान की तखमीना लगाया जा रहा है और उसके बाद ये तो गवर्नमेंट फैसला करेगी कि क्या है, कैटास्ट्रोफी अगर आए तो उसमें गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है। एज़ ऑफ नाउ हम अपनी एस्टीमेट लगा रहे हैं कि किसी का क्या हुआ है। हमारे एस्टीमेट के मुताबिक पीछे वाले घरों के अंदर दीवारें टूटी हैं, उनका फर्नीचर हुआ है, रेजिडेंशियल एरिया में ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो यहाँ पर प्लाजाज बने हुए हैं जो हमारे रिकॉर्ड में तो अब इलीगल शो हो रहे हैं, इनकी बेसमेंट्स के अंदर भी पानी गया है, इनका भी हम तखमीना लगा रहे हैं, फिर जो जैसे गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो अगले हफ्ते का कहा जा रहा है कि बारिशें आ रही हैं, जो सैलाब की प्रडिक्शन है वो तो एक महीने से हर रोज़ के लिए आ रही है कि इस हफ्ते सैलाब आ रहा है, इस हफ्ते सैलाब आ रहा है। आज की भी प्रडिक्शन थी कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी लेकिन नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद टीम्स हमारी सारी लगी हुई हैं, हर नाले को क्लियर किया जा रहा है, जितना भी नाले की विड्थ है उसको इंश्योर किया जा रहा है कि वो विड्थ बरकरार रहे। रेस्क्यू टीम्स मौजूद है, रिलीफ टीम्स मौजूद हैं, स्कूल्स को एक्वायर कर लिया गया है जहाँ पर खुदा ना खास्ता अगर एविक्शन की जाए, लाइफ जैकेट्स भी दी गई हैं अगर खुदा ना खास्ता लो लाइंग एरियाज़ में कोई लोग मौजूद हैं, कुरंग रिवर की हर्डल्स को निकाल दिया गया है, मस्जिद में भी ऐलान करा दिया गया और हम खुद भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं।